हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीब्रेट में। दोस्त, काफ़ी सारे लोग जिम को अभी ऑनलाइन एग्जाम देने में प्रॉब्लम होती है, सो उनके लिए स्पेशल वीडियो में आज वीडियो में बात करूँ कैसे आपको ICER का एग्जाम्स देना है, ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, तो कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, साथ ही साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ICER का मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कैसे देना है वो चीज़ भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा, और कैसे आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि आप अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर पे एडमिट कार्ड वगैरह जो जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है वो चीज़ लेके जाइएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, एक दो फोटो, उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये तीन चीज़ कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड या फिर कोई एक पासपोर्ट साइज का लाइक पैन कार्ड वगैरह, कोई ID प्रूफ भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम पे चला जाना, आपके एडमिट कार्ड पे आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया है, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टाइम पे जाना है। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे, आपके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी रहेगा डेस्कटॉप पे, आपको टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लैपटॉप रहेगा वहाँ पे, फिर आपको लॉगिन करने के लिए आएगा। जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा, लॉगिन करने के लिए आपके पास आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ये दो चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपके पासवर्ड क्या है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के बेस पे आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका फ़ोटो, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको आगे थोड़े में बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कैसे आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से ICER का मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम से उसके एक दिन पहले आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे का जो भी है मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि NTA की ऑफिशियल मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ से आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, किस एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ICER UG का है, तो ठीक है, मैंने ICER UG सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट का हमें मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो Series 1 फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के सीरीज वाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। लाइक Series 1 मैंने एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपके पास आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड लॉगिन करते ही आप लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होगा, आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसको आपको फॉलो करना है। टोटल एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे का होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कलर चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी कि कैसे कैसे हमें एग्ज़ाम देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इक्वेशन आपके सामने सेम ऐसा इक्वेशन आएगा आपके स्क्रीन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, एग्ज़ाम नेम, सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे आपकी टाइमिंग चलती रहेगी, ठीक है। जितने टाइम का पेपर है उतना टाइम चलेगा, उसके बाद जैसे टाइम एंड होगी अपने आप डेस्कटॉप ऑफ हो जाएगा। इसलिए टाइम रहते हुए आप लोग सारा क्वेश्चन अपना कर लीजिएगा। यहाँ से आप अपना पेपर आप मोड यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों चेंज कर सकते हो कभी भी, ठीक है। लेकिन अगर पहले ही एग्ज़ाम के पहले ही चेंज कर लीजिएगा, बाद में चेंज करने का ऑप्शन में भी ना आए, बट पहले ही आप यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। अब मैं आपको बात करूँ, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका राइट आंसर सेकेंड है, ठीक है। तो आपको करना है कि अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड बिल्कुल सही है 100%, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो, आप जब आंसर देखो, जो फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा ये डाटा कैलकुलेटर बोर्ड चलता रहेगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन नंबर शो करेंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप सेव नेक्स्ट करते हो तो ये चीज़ ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन होने का मतलब है कि आपने आंसर बिल्कुल दे दिया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप उसको मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि उसको रिव्यू करके यहाँ पे मार्क्स करके रिव्यू के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। जैसे आप रिव्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन जाओगे, ये जो ग्रीन कलर हुआ है वो पर्पल हो जाएगा। पर्पल होने का मतलब है कि आप बाद में अपने क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ते हो यानी कुछ नहीं करते हो, डायरेक्ट नेक्स्ट पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, डायरेक्ट नेक्स्ट पे जाते हो, यानी कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो ये बिल्कुल रेड रहेगा। तो ये थी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आप सेकंड ऑप्शन इसका सही है, तो इस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट भी कर दीजिएगा, सबमिट बाद में कीजिएगा जब आपका पूरा एग्ज़ाम्स फाइनल हो जाएगा, उसके बाद सबमिट करना है। पहले ही आपको सबमिट नहीं करना है। सबमिट का मतलब है कि जब टोटल एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करनी है सबमिट पे। पहले सबमिट कर दोगे तो एक ही क्वेश्चन के बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको सेकंड क्वेश्चन पे, लाइक आपको 10वें नंबर क्वेश्चन में जाना है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करके जाओ, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 10th नंबर पे
ठीक है, यहाँ पे 10th नंबर पे क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, ये था ऑनलाइन एग्जाम देने का प्रोसेस, और टोटल आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और टाइमिंग आपके सामने चलती रहेगी। ठीक है, नंबर भी शो करेगा, जैसे कि आपने अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर 75 का आंसर नहीं दिया है तो यहाँ पे आपका आएगा 75 नॉट आंसर्ड। ठीक है, अगर 10 का दिया है 10 का आंसर दिखेगा यहाँ पे रेड में, उसके बाद अगर नहीं दिया है तो 75 रेड में दिखेगा, और अगर जिस क्वेश्चन पे आप अभी तक विजिट नहीं की हो उसको वाइट ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस जो आपको याद रखनी है एग्जाम में, कि कैसे हमें क्या क्या कुछ जो कलर का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको दोस्त लगता है कि क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो उसको आप मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दीजिए, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। जब आपको लगे कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हो, फिर से उसका आंसर दे के सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी अगर अगले जैसे कि आप बहुत सारे बंदे होते हैं जो पहले फिजिक्स नहीं फिर डायरेक्ट पहले एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कोई अपना फेवरेट सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लाइक 50 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट होता है मेन, तीनों से 50-50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो डायरेक्ट आप 50 क्वेश्चन के बाद 51 क्वेश्चन पर जाइएगा, आपको दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो भी आपको नहीं करना तो डायरेक्ट आप 101 वाले क्वेश्चन नंबर पे चले जाइएगा, जहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, पूरी तरीके से ये चीज़ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम्स में आपको रफ़ चीज़, रफ़ पेन ये सब वहाँ मिलेंगी, आपको अपने पास से कुछ नहीं ले जाना है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, जैसे कि ऑफिशियल अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्त मैं आपको बताऊंगा एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड हो या फिर जेई नीट, ठीक है, उसका एक सोल्यूशन आप लो, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करना है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके उसकी पिक्चर को लेके अपलोड कर सकते हो यहाँ पे अंडर 60 सेकेंड। ठीक है, एक मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन आप किसी भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव कनेक्ट हो सकते हो। सो गाइस स्टेप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो, ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्त अगर आप हमारे रेफरल कोड AUG003 का यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।